तेलंगाना जनता को मेरे ओर से सरकार के ओर से धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उन्होंने कार्यक्रम की सफलता 100 के 100% सक्सेस बनाया। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आज से हमारे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गए, पूरे पोर्ट्स भी क्लोज हो गए। इंटरनेशनली आने वाले यात्री अब हमारे राज्य में नहीं आएंगे, तो हम उससे बच गए, वो पीड़ा से हम आज बच गए। अब अंदर जो है, जो आए हुए लोग हैं, उनसे हमको बचा लेना है, ये बीमारी ना फैले, ये कदम सरकार ले रही है। इसीलिए 31 मार्च तक इस लॉकआउट को पूरे राज्य भर में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जनता ने सहयोग दिया है, नियंत्रण किया है, अपने आप को निमंत्रण में रखा है, घर को सीमित किया है, इसी प्रकार से एक और हफ्ता आप घर में ही सीमित रहे, 5 लोगों से ज्यादा बाहर नहीं आ सकते। सुविधाओं के लिए जो देना चाहिए वो पूरे बंदोबस्त हमारे सरकार की तरफ से पूरी उपलब्धियां होंगे। एसेंशियल कमोडिटीज भी, हेल्थ सर्विसेज भी, इमरजेंसी सर्विसेज भी, जो कुछ भी चाहिए वो पूरे आपके पास आएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब जनता के लिए जो हमारे पास 87 लाख के ऊपर व्हाइट रेशन कार्ड है, उनके सुविधा के लिए एक 12 किलो चावल और एक 1500 रुपये एक महीने का रेशन जो है उनको फ्री में, मुफ्त में दिया जा रहा है। वही सभी लोगों को कुछ ही दिनों में, अगला 2-4 दिनों में, 5 दिन के अंदर सभी को पहुंचा दिया जाएगा। जो डीलर व्यवस्था है हमारा, वो पक्का व्यवस्था है, पीडीएस व्यवस्था, उस व्यवस्था के जरिए पहुंचाएंगे। जहां जरूरत पड़ता है अर्बन एरियाज में, वहां थोड़ा जीएचएमसी से या बल्दिया से भी हम सहयोग लेंगे, किसी भी एक प्रकार से ये पूरा उनके हाथ पहुंचा देंगे। उनके एड्रेसेस, पूरे रेशन कार्ड का पूरा हमारे पास डिटेल है, लिहाजा उन तक वो हाथ पहुंचा देंगे। इस फैसिलिटी को ले लेके पब्लिक घर को सीमित रहे और अपने आप को बचा ले, समाज को भी बचाए। धन्यवाद।